ठीक है, इनकी थ्योरी देखेंगे, इनके जो भी फॉर्मूलाज हैं वो देखेंगे, देन इससे रिलेटेड हम PYQs करेंगे, जिसको ये चैप्टर आता है। जहां तक मुझे लग रहा है जितने बच्चे ज्वाइन है सबने ये चैप्टर जो है कर लिया है, बट जिन्होंने नहीं किया है वो समझना, और जिन्होंने कर लिया है वो PYQs जो है ट्राई करेंगे, जो मैं करवाऊंगी। इधर देखो वेटेज देखो, इधर 2023 में ना 2 क्वेश्चन आए थे इससे, 2022 में भी 2, तो लास्ट 2 साल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस साल कितने आएंगे यहाँ से? 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसका ट्रेंड एनालिसिस देखूं तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से वाले टॉपिक्स आते हैं, जो आपका क्वांटम नंबर वाला टॉपिक है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, क्वांटम नंबर, जिसमें आप NLM पढ़ते हो ये सब, ठीक है। वहां से ज्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकियों से कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछ लिया, ऐसा ही रहता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल, ज्यादा चांसेस न्यूमेरिकल बनने के हैं, और अगर कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आया तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो अगर क्योंकि आप लोगों का भी केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है इस संडे को, तो मेरे को फटाफट से ना, कितने क्वेश्चन दिए मैंने, ये 5 क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, और इसका आंसर बताओ, फिर मैं अपना आगे ये वाला चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और जो बच्चे आ गए हैं बेटा, रेगुलर रहो प्लीज, सलोनी रेगुलर है, मुझे फटाफट क्विक आंसर चाहिए। अच्छा, यजदान आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अरे रेगुलर रहो, टीचर को मौका मत दो कि आप लोगों को बोले कि रेगुलर लो, ठीक है। अगर कोई जानवन प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बता दिया करो, मैं इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था या ले पा रही थी, ठीक है। हाँ, क्विक आंसर आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। किसने हैंड रेज किया? दीपक बताओ मेरे को, फर्स्ट मैम आंसर इसका बताओ। डी होगा, मैम सी टू, मैम C2 होगा। C2 क्यों होगा? इस मैम इसके MOT लिखते हैं ना मैम, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पाई में आते हैं, तो जब भी बॉन्ड बनाते हैं दोनों पाई से ही बनाते वेरी गुड। σ1 है, σ स्टार है, σ2 है, σ स्टार 2 है ना, π2px, π2py है ना, σ2pz, चल जाएगा इतने से काम। तो इलेक्ट्रॉन फिल करो यहाँ पे, 2 2 2 2, कितने हो गए ये, 8 9 10 11 12, किसमें आ रहे हैं, पाई में आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों बोन क्या होंगे, ओनली पाई बोन्स होंगे इसमें, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? विद इन 5 सेकंड्स तुम्हें ये आंसर करना है, ये तो रट लो, कौन होगा इसमें पैरामैग्नेटिक? प्रियांशु तुम बताओ। हम O2। O2 होगा। दीपक नहीं हुआ था क्या? ये दोनों दीपक, वैशाली, हो गया अलीशा, था मैम। सोमिया, हाँ, O2। कैसे याद रखोगे? पैरा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे तुम्हारे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 10 और 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे तुम्हारे, पैरामैग्नेटिक होंगे, याद है? ये ट्रिक करते हो तुम लोग, नहीं करते हो तो कर लो, बाकी मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगी तो दोबारा बता दूंगी, ठीक है। इसके अलावा जो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे हैं एक्सेप्ट 10 एंड 16, वो क्या होंगे तुम लोगों के मेरे बच्चों, डायमैग्नेटिक होंगे। ये चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों ने तो क्विक आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें कहाँ ओ टू माइनस एम पे? हाँ, ये O2- है, ये O2 O2+ है, ये थोड़ा बहुत गंदा सा बनाया हुआ, दिस इज ओ टू, हाँ ये देखो अब ठीक लग रहा होगा, ये O2+ है, आ रहा है क्या समझ में अभी, ये अभी भी बिगड़ा हुआ है? पर ये सेम है। आ रहा मैम है ये सिर्फ O2 नहीं होना चाहिए फोर का ऑप्शन में, जो कहाँ पे, आपने देख रहा। यहाँ पे O2+ लिखा हुआ बेटा, यहाँ तो मेरे पास मैम फोर तो ऑप्शन में जो दिया है मैं वो O2 माइनस कर देना आपने। चेक कर रही हूँ बेटा, रुक जाओ, मैं एक बार इसको वो दे देती हूँ, देख कर सही लिख देती हूँ इसका, रुक जाओ, तब तक तुम ये एक वाला करो। करो ये वाले, ये IF3 है, या XEF2 है, ये IBr2 नेगेटिव है, हाँ ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर? हो गया,
सलोनी आप बताओ, सलोनी आप बताओ इसका आंसर। बी बी है क्या, बी है क्या? अनुषु आप बताओ। मैम बी तो लग रहा है। अच्छा तुमने तुमने क्या बोला था सलोनी? अच्छा बी बोला था, ओके मैं सी समझ रही थी। ठीक है, आई बी आर टू नेगेटिव और एक्सीएफ ये हाफ ऑफ, इधर देखो जल्दी, सेवन हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऐसे निकालते हो, प्लस टू प्लस वन तो कितना हो जाएगा 10/2, 5 sp3d। ठीक है, तो 5 है तो दो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे बच्चे, हाँ 3 लोन पेयर, शेप लीनियर आ जाएगी, सेम इसका भी शेप लीनियर आ जाएगी। यस सॉरी सलोनी, मेरे को लगा सी बोल रही थी तुम, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 नेगेटिव एंड NH4 प्लस। ये तो सिंपल है, जल्दी करो, इसमें ज्यादा बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए। तुम लोग बाकी बच्चे जो हैंड रेज नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो फिर तुम लोग घर पे? मेरे को तो समझ में नहीं आती, इतनी बार इस चैप्टर का टेस्ट हो चुका है, 11th में भी पढ़ लिया और ये भी बता दिया कि 16 नंबर का ये चैप्टर है, फिर भी तुम लोगों का तीन बच्चों, दो तीन बच्चों का हैंड रेज हो रहा है। हाँ अंजलि, अरीब, दीपक, जुनैद, कहाँ हो तुम लोग? सानिया, शिवम, यजदान, प्रियांशु, अलीशा, इसका आंसर बताओ। मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन नहीं। शिवम गुप्ता आप बताओ। सी, वेरी गुड। एनओ टू प्लस एसपी होगा, एनओ थ्री नेगेटिव ये होता है भाई, ये होता है sp2 होगा और NH4 प्लस तुम्हारा sp3 होगा। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ठीक है, सी इसका करेक्ट होगा। ये वाला देखो, ये वाला क्या था मैं बता दे रही हूँ, एक मिनट, मैं सारा इरेज कर रही हूँ, मेरे को खुद ही दिख रहा मैंने लिखा क्या। ठीक है, ओके, इसका पहला देखो, जो सेकंड ऑप्शन है वो है O2, लिख लो तुम लोग O2, O2 प्लस, O2 टू नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, सी ऑप्शन है तुम्हारा O2 नेगेटिव, O2 टू नेगेटिव, O2 प्लस O2। ठीक है जी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या है, इधर देखो, डी वाला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, O2 प्लस, O2, O2 नेगेटिव एंड O2 टू नेगेटिव। लिख लिया, लिख लिया क्या? O2 प्लस, O2, O2 नेगेटिव, O2 टू नेगेटिव, लिख लिया क्या? और लास्ट वाला तुम्हें दिख ही रहा है, तो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका। मैम मैं ऑर्डर बोल के बता दूं? हाँ हाँ बता दो, अब बता दो। O2 प्लस का सबसे ज्यादा, उसके बाद O2 का, उसके बाद O2 माइनस का, उसके बाद O2 माइनस। देखो इकट्ठे मत बोला करो जब एक स्टूडेंट बोल रहा हो, आपको पहले मौका दिया जाता है आप तब बोला करो, जब एक बच्चा बोल रहा है तो आप साथ में नहीं बोलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसके आने वाला है। ठीक है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें दो अनपेयर्ड, एक सेकेंड रुको, इसमें क्या होता है π*2px और π*2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 नेगेटिव में एक और हो जाएगा, इसमें एक और, तो नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम होती जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप पता होगा, तो इसमें जो भी ये वाला होगा ऑर्डर आप उसको टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, चले आगे। चलिए ये देखो मैं कहां से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे बच्चों इधर आओ। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, कुछ बच्चों ने कैथोड रे एनोड रे वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, हालांकि वो सिलेबस में मेंशन नहीं किया एनएमसी ने, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये बोलूंगी, अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो तो आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे वो पढ़ने में। क्या जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, है ना, कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट उसको रीडिंग करनी है आपको।
ठीक है, जस्ट आपको उसकी रीडिंग करनी है, कर लेना, बाकी उसके आने के चांसेस ना के बराबर है पेपर में, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली यहां से स्टार्ट करूंगी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बेसिक क्वेश्चन भी बनता है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि हम इस साल 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेसिक से भी हमें बता सकता है, मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो 2023 में अभी पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो बेसिक ही था। अगर आप लोगों को बेसिक चीजों का पता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये सब, देन आप वो क्वेश्चन कर सकते थे, और जिसने बेसिक नहीं पढ़ा था तो वो क्वेश्चन वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे 38 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए हैं। तो देखो बच्चे, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं, आपको पहली बात है सिंबल का मालूम होना चाहिए, सिंबल कैसे लिखते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखते हैं और मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को ए से। इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूं, इधर आओ, अगर मैं बात करूं जेड की, एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन के बराबर होता है। जेड किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन के बराबर होता है। अगर मैं बात करूंगी न्यूट्रल स्पीसीज की, जिसपे कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या होंगे मेरे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटोन क्या होंगे, बराबर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटोन ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर मैं आयन की बात करूं, आयन का मतलब क्या है, मान लो Na+ है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव है, तो इस केस में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। अगर Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 है, और इस पे +1 का चार्ज है, तो आप लोग क्या करते हो, -1 कर देते हो, -1, और यहाँ पे आप क्या कर देते हो, +1। क्या ये मैम क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, हाँ, जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां पे, यहाँ पे ये पूछ सकता है क्या एग्जामिनर, जो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है जी। लेकिन Z ध्यान रखना क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट मास नंबर, मास नंबर को आप A से डिनोट करते हो। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं ये, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करोगे, ए माइनस जेड करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मास नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है ना, ओके। ये न्यूक्लियॉन्स के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने एक चीज लिखी हुई है कि जो मास नंबर है इज ऑलवेज ए होल नंबर, या आप यहाँ पे ये लिख दो, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके बेटा एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कभी फ्रैक्शनल में भी नहीं होते और ना ही नेगेटिव होते। कभी देखा है आधा इलेक्ट्रॉन, ढाई इलेक्ट्रॉन, नहीं देखा है। तो ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नेगेटिव ये नहीं होते। लिख दूं क्या यहाँ पे, लिखो मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ, एक मिनट रुको, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। लेकिन मैम एटॉमिक वेट आपका एवरेज हो सकता है, एटॉमिक वेट आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, याद है, याद करो, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में आपको एवरेज एटॉमिक मास के लिए फॉर्मूला बताया था, है ना, बताया था ना, आइसोटोप इंटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, ठीक है, मास ऑफ आइसोटोप इंटू परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, तो यस वो फ्रैक्शनल में हो सकता है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जो इन चीजें जो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है सब समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं आइसोटोप, मैम ये आइसोटोप बहुत सिंपल है, यस बिल्कुल सिंपल है, तो लिखो आइसोटोप में हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप हम क्या बोलते हैं, सेम सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, डिफरेंट मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकती हूँ, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकती हूँ, और मैं ये लिख सकती हूँ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस डिफरेंट प्रोटॉन, जो सम ऑफ जो आएगा, बट डिफरेंट सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख सकती हूँ क्या? यस मैम, क्योंकि मास नंबर वही तो होता है हमारे पास, बताओ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइसोबार में क्या लिखूंगी मैं, आइसोबार में क्या लिखूंगी मैम, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हो, डिफरेंट
एटॉमिक नंबर. अब एटॉमिक नंबर बोले तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम मास नंबर बोले तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस और सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस लिख सकते हो. ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकते हो. इसके एग्जांपल बताने की जरूरत है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लो तुम लोग. ठीक है, ठीक है. अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो बच्चे, अगर मास नंबर न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन का सम है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड करके. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ए माइनस जेड करके. ठीक है, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा आइसोटोप है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो होता है आपका प्रोटियम. ठीक है, चलिए. और आइसोबार का एग्जांपल दो मुझे, क्लोरीन और आर्गन और कैल्शियम. ठीक है, आर्गन और कैल्शियम. कैल्शियम का कितना होता है मास नंबर, 40. और आर्गन का मैम उसका 40. ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 20. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे. आगे आइसोडायफर्स. आइसोडायफर्स क्या होता है बताओ मेरे को, आइसोडायफर्स पढ़ा है? जिनका मास और वो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर का वो डिफरेंस है ना, डिफरेंट. ये लिखो डिफरेंस, लिखो बच्चों. मेरे को पता है ये चैप्टर पढ़ लिया लेकिन ये नहीं पढ़ी होगी टर्म. डिफरेंस बिटवीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इज सेम. अब मैम एग्जांपल ले लो, एग्जांपल देखो. एक मेरे पास बोरोन है, एक मेरे पास कार्बन ये वाला है. ठीक है, चलो. बोरोन में मेरे को ये बताओ पहले तो, प्रोटोन कितने हैं, जेड फाइव हो जाएगा, बताओ. ठीक है, यस मैम. ओके, उसके बाद मुझे ये बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, कितने होंगे. ठीक है, क्या किया तुमने, 11 में से 5 माइनस कर दिया ना. ठीक है, कार्बन में निकालो, Z कितना है, 6 है. और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, 13 माइनस 6, 7. चलो, अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी है बताओ, हो रही है, जस्टिफाई कर रहे हैं, आइसोडायफर्स हैं ये आपस में या नहीं है. देखो क्या करना है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस लेना है, क्या होगा, 6 माइनस 5 1 1 minus 6 1. तो ये आपस में क्या है बच्चों, आइसोडायफर्स. यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए. दिस इज योर आइसोडायफर्स. ये तुम लोग प्लीज कर लेना, तुम लोग सिंपल सिंपल कर लेते हो. आइसोटोप आइसोबार पता चले यहीं से क्वेश्चन पकड़ा दिया उसने. आइसोटोन क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. ठीक है, इसका एग्जाम्पल पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, चेक करो, चेक करो है क्या इसमें 39. हाँ ठीक है, चेक करो. ठीक है, यहाँ इसको माइनस करो 20, इसको माइनस करो 20. तो ये आपस में बच्चे क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स हो जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे चले. आइसोस्टर. मैम आइसोस्टर क्या होता है बताओ, पढ़ा है क्या आइसोस्टर क्या होता है बच्चों. अटेंटिव होके बैठ जाओ क्लास में, बहुत देर चलने वाली है आज की क्लास. ठीक है, डेटा वेटा रिचार्ज करवा लो अगर खत्म हो रहा है तो, क्योंकि मैं लेने वाली हूँ आज क्लास. अनुशुआ, आइसोडायफर्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन सेम होता है. ठीक है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच में, जैसे प्रोटोन कितने हैं यहाँ पे 5 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 6 है, तो 6 माइनस 5 1, यहाँ पे भी देखो 7 माइनस 6 1. हाँ, आइसोस्टर बताओ बच्चे. अलीशा तुम बोलो. मैम इलेक्ट्रॉन और एटम्स का नंबर जो होता है वो सेम हो जाता है इसमें. बेटा क्लास शुरू हुई नहीं है शबनम, और तुम्हें ये हो रहा है कि मैम कब तक लोगे. बेटा अभी 1.5 घंटा क्लास चलेगी. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नहीं मैम, मैं अभी इसलिए पूछ रही थी क्योंकि फिर मैं नेट डाउनलोड करवा लूंगी. अच्छा, 1.5 घंटा पौने 1.5 घंटा चल जाएगा डेटा. ओके मैम. अच्छा चल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, चल जाएगा बस, तो फिर कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, ठीक है. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम. एग्जांपल लिखो CO2 N2O. वैसे तो और भी हो सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल ले रही हूँ सो दैट आप समझ पाएंगे आइसोस्टर है क्या. नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम देखो 3 है. ऐसी एक्टिव रहो, मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में. और यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3. इलेक्ट्रॉन देखो
छह और कितने होंगे, सोलह और आठ, एट टू जै सिक्सटीन ना, कितने होंगे, बाईस इलेक्ट्रॉन, yes, बाईस कितने होंगे, सेवन टू जै फोर्टीन और यहाँ पे कितना हो गया, एट बाईस इलेक्ट्रॉन हो गया. डेफिनेशन आइसोस्टर ये होगा. आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ये तो बहुत सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. एक बार रिवाइज कर लो इसको, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, एक बार फिर बता दे तो जल्दी आओ. इसमें जो इम्पोर्टेंट था आइसो डायफर्स, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो इसको मार्क कर लो, क्लाउड बना लो, जो करना है कर लो, क्योंकि ये अगर चैप्टर करके जा रहे हो तो ये वाली टर्म्स आप लोगों को आनी चाहिए. डिफरेंस बिटवीन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जो होंगे वो सेम होगा. उसके अलावा आइसोस्टर आप ध्यान रखेंगे बच्चों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स, बाकी सबको याद रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए बच्चों, ठीक है, देखो ये पॉइंट्स तुम्हें करने हैं. क्या कि जो आइसोटोप्स होते हैं, इधर आओ, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है, ये वाला पॉइंट करना है. आइसोटोप्स की जो वैल्यू ई बाय एम होती है वो सेम नहीं होती. ई बाय एम क्या होता है बच्चा, ई क्या होता है तुम्हारा, चार्ज, सेम वैल्यू नहीं होती आइसोटोप्स के लिए, अलग अलग होती है, ठीक है जी, क्योंकि मास ही अलग अलग है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है. आइसोबार्स की ना ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों में से कोई भी सेम नहीं हो सकती. ये किसमें आ सकते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में से आ सकते हैं. आइसोबार की भी ई बाय एम की वैल्यू सेम नहीं होती. आइसोटोन को ऐसे याद रखना, ऐसे कर लो, वैसे मैं तो कहूंगी जो सिंपल चीजें बताई हैं वो कर लो, ये वही है जो मैंने बताया बेसिकली, ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, E by M for प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तुम इसका ऑर्डर लगा सकते हो E by M का, कि किस केस में, yes, ma'am. बताओ, सबसे कम न्यूट्रॉन, मैम इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बहुत कम होता है. अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो ई बाय एम ज्यादा होगा, ठीक है. और उसके बाद अगर मैं प्रोटोन की बात करूं, ठीक है, वैसे तो हम जनरली जो है मास ऑफ प्रोटोन फॉर कैलकुलेशन बराबर लेते हैं, बट पता चले एग्जामिनर पूछ ले फिर भी बताओ भाई किसका ज्यादा होता है, तो एम एन का थोड़ा बहुत ज्यादा होता है. मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, थोड़ा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा होता है, ठीक है. लेकिन फॉर कैलकुलेशन हम मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है. और न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही जीरो है इसलिए वो सबसे पीछे आया, ठीक है ना. ये कौन सी बातें हैं जो मैंने आपको लोगों को बोला घर से पढ़ने के लिए, अगर किसी ने पढ़ लिया तो दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है. चलो ये देखो जितना मैंने बताया, एक दो तीन क्वेश्चन बना दिए इससे, चलो आ जाओ आ जाओ. क्वेश्चन नंबर वन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेशियम रिस्पेक्टिवली आर, नीट 2020 में आया, ये नीट 2020 में आया. चलो मैंने तुम्हें रैंक बूस्टर एमसीक्यूज भेज दिए हैं, टाइम मिले कर लेना बच्चों. हाँ करो, हैंड रेज करो, शाबाश. सारी क्लास का हैंड रेज होना चाहिए इस टाइम पे, सुपर एक्टिव मोड में होने चाहिए सभी के सभी. दीपक प्रजापति, मैम ए होगा इसका, ए होगा सबका, ये आ रहा होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, जेड एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो आपका ये 71 होगा. 175 में से माइनस कर देना 71 को, वो आपका वो हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे बिकॉज न्यूट्रल स्पीसीज आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर टू, बेरिलियम 2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, हो गया. विशाली आप बताओगी, विशाली लोहिया, बेरिलियम 2 प्लस इज आइसो, हां जी मैम अभी कर रही हूं मैं. अच्छा तुम्हारा हैंड रेज था ना बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, हमें 5 सेकंड के अंदर करना है, ज्यादा से ज्यादा 7 सेकंड्स, ठीक है. शिवम गुप्ता से तो पूछ लिया. अर्पिता मैम बी, बी लिथियम प्लस 1, देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, चार एटॉमिक नंबर, चार में से दो गया, दो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 माइनस 1 कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इससे कॉम्प्लिकेटेड भी बना के दे सकता है बट तुम्हें फंसना नहीं है, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 2000 में आया था ये.
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये C2 नेगेटिव है बच्चे, हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अरे रट रखे हैं सबने, कर रखे हैं आई थिंक इसके PYQs, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, वेरी गुड। गुंजन, हिमानी, ट्राई करो बच्चे। यजदान, स्नेहा, अच्छा ठीक है, ओके। साक्षी, हाँ तुम ए, ठीक है। कैसे किया? कार्बन का 6+8 बेटा, प्लस माइनस में गलती मत कर देना जैसे तुम्हारी मैम कर देती है। 14 इलेक्ट्रॉन, CN नेगेटिव, 14 इलेक्ट्रॉन, 8 और 7 15, 15 में से 14, प्लीज। कभी हो जाता है क्योंकि ना हम उस टाइम इतने प्रेशर में होते हैं, अभी तो तुम एक्टिव बैठे हो ठीक है, तो वहां पे भी ऐसे ही बैठना है, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्लस माइनस में गलती हो जाती है, तो थोड़ा सा आराम से करना है ठीक है। हो गया, अभी तक क्या पढ़ ली हमने? अभी तक इंपॉर्टेंट टर्म्स ही हमने डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने करा दिए हैं ठीक है। बाकी जो होमवर्क मिलेगा वो कर लेना उसको। उसके बाद ये एक टेबल मैंने चिपका के दे दी, क्या 2023 में इसी टेबल से क्वेश्चन आया था अगर तुम लोगों को याद हो, तो हम ये दोबारा एक बार इस टेबल को निहारेंगे, अच्छे से निहारेंगे, और इससे रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, वो करेंगे ठीक है। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे बात तो सिंपल सिंपल सी है, यहाँ पे एब्सोल्यूट चार्ज दिया हुआ है, एक्चुअल चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻¹⁹ होता है प्रोटोन पे, मैग्नीट्यूड साइन जो होगा वो प्लस हो जाएगा, न्यूट्रॉन पे हमें पता है नहीं होता है चार्ज। रिलेटिव चार्ज की बात करूं तो हम जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज है, प्रोटोन पे +1 का, न्यूट्रॉन पे है नहीं। मास की वैल्यूज टिप्स पे होनी चाहिए, मास की वैल्यू टिप्स पे होनी चाहिए ठीक है। इलेक्ट्रॉन की क्या है 9.109 × 10⁻³⁻³ kg, प्रोटोन की 1.67 × 10⁻²⁷, न्यूट्रॉन की अगर वो सवाल बना पा रहा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इस बार वो क्या बनाएगा बताओ भाई। मास ऑफ प्रोटोन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को तुम कैलकुलेशन पर्पस से तो ले लेते हो सेम, लेकिन यहाँ पे देखो दिस इज 1.674 है ना, ये क्या 1.672, तो न्यूट्रॉन का मास हल्का फुल्का ज्यादा है मास ऑफ प्रोटोन से ठीक है। ओके अगर मैं इसका मास लूं, इधर देखो रिलेटिव मास लूं, तो इलेक्ट्रॉन का हम 0 कंसिडर करके चलते हैं, प्रोटोन का हम 1 मान के चलते हैं, न्यूट्रॉन का 1 मान के चलते हैं ठीक है। ये देखो ठीक है, ये टेबल क्लियर है बताओ मेरे को। यस मैम। ठीक है, क्या अब तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो कर सकते हो? तुम्हारा मैंने मॉड्यूल अपलोड कर, मतलब कर दूंगी मैं आज रात में या कल मॉर्निंग में, वो मॉड्यूल में से क्वेश्चन कर सकते हो, LN का मॉड्यूल है वो ठीक है। अगर PYQs कर लिए हैं तो इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, इधर आओ, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, मास ऑफ प्रोटोन इज हाफ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, देन फाइंड आउट द न्यू एटोमिक वेट ऑफ कार्बन 12-6। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? पहले तो ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में? चलो एक बार एक काम करो, तुम ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी ठीक है। एक बार तुम ट्राई करो, इसको करो। साक्षी हो गया क्या तुम्हारा? अच्छा ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किए हैं तुमने? हाँ। वेरी गुड ठीक है। कोमल आप बताओगी बेटा? मैम 15। हाँ 15 सिंपल है। देखो अगर मैं इसको करके बताऊं, वैसे तो ये टाइम नहीं लगेगा जब आप इसको पेपर में करने बैठेंगे अगर किए हैं, बाकी कैसे करना है ये इधर देख लो। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो यहाँ पे 6 होगा, और अगर मैं बेटा बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तो वो कितने होंगे? 6 होंगे ठीक है। इनका मास कितना आ रहा है? 12 ठीक है। मुझे बताना न्यू एटॉमिक वेट कब, कब जब इन्होंने न्यूट्रॉन का मास डबल कर दिया, यानी कि कितना कर दिया इन्होंने? 12 कर दिया। 12 और प्रोटॉन का मास कितना कर दिया? आधा, यानी कि 3 कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 15। इसका क्यों नहीं ले रहे? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, नेगलेक्ट मार दो ठीक है। अच्छा इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ, कितना इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप उसमें निकाल दो फिजिक्स में, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100 ठीक है। फाइनल कितना आया मास? 25% मैम। हाँ 25% आप करते हो ना, प्रैक्टिकल भी करते हो फिजिक्स में, वहां पे ठीक है, तो ऐसी चीजें भी मेरे स्टूडेंट्स को आनी चाहिए
हो जाएगा ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन। मॉड्यूल में आपको कम से कम ऐसे 6-7 मिलेंगे, आप कर सकते हो, लेकिन फिर बोल रही हूँ आप लोगों ने PYQs कर रखे हो इस चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद बेटा, क्योंकि मैं रदरफोर्ड तो तुम लोगों को नहीं करा रही हूँ, लेकिन उसका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है तुम लोगों ने किया हो, सकता है मिस आउट कर दिया हो, लेकिन अगर मिस आउट कर दिया तो इसको पढ़ लो आज, ठीक है। हमें पता है बच्चे, अगर मैं एटम के डायमीटर की बात करूं, साइज की बात करूं, तो कितना होता है, 10^5 टाइम्स होता है डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, है ना, बताओ मालूम है ये वाली बात, जो डायमीटर है आपका एटम का वो 10^5 टाइम्स होता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो किसकी, एटम की 10^15 टाइम्स होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला आता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a^1/3। ए क्या है यहाँ पे, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाओगे आर नोट आ जाएगा, कुछ बुक्स में कुछ और भी कॉन्स्टेंट हो सकता है दे रखा, ठीक है। अब आर नोट की वैल्यू क्या है, ये है 1.33 × 10^-13 सेंटीमीटर। हाँ, इसमें भी आ जाता है, यही रीजन है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ आते हैं ज्यादा, तुम्हारे क्वांटम नंबर वाले टॉपिक से, क्योंकि वो क्वांटम नंबर वाला पार्ट तुम्हारे फिजिक्स में नहीं है, जबकि एक ये वाला पार्ट बोहर मॉडल, ये सारा तुम्हारा किस में आता है, फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो ठीक है ना, हमारे लिए फायदा है, हमारे लिए फायदा है, और क्या, अगर यहाँ से देंगे तो भी हम कर लेंगे, और अगर फिजिक्स से दिया तो भी हम कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो अगर मान लो तुम्हें रेडियस दे रखी हो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ भी वैल्यूज रखवा लेगा, 3 चीजें तुम्हें दे देगा, 1 तुम्हें निकालनी होगी, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन करोगे, ये लो करो आज। मैम एक मिनट, बस वो आर नॉट की वैल्यू लिखनी है, 1.33 × 10^-13 सेंटीमीटर। बेटा लिख लो इसको, सारे बच्चे लिख लो। मैम हो गया, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एल्यूमिनियम दिया हुआ है, विल बी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम विल बी, करो इस क्वेश्चन को करो। N? चलो क्या आंसर आ रहा है मैम, डी आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन डी, डी आ रहा है, चलिए ठीक है, कर लिया होगा, ठीक है। आर नोट क्या है, 1.33 × 10^-12 बच्चे इधर देखना, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में आंसर देना है, तो कर लिया ना आप लोगों ने, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर में ही तो है, 4 ही तो है, कहाँ पे, नहीं 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 नहीं, ये आर नोट की वैल्यू बोल रही हूँ बेटा मैं, अच्छा ठीक है, सबका आ गया ना ये 4 × 10^-15 27^1/3 हो जाएगी, ठीक है, 3 ले लेना इसको, ठीक है, 4. अच्छा एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट तो जो बोल रहे हो वो होगा, बट यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कर देना 4 × 10^-15 मीटर। मैं क्या कह रही थी तुम लोगों को, फर्मी क्या, आर नॉट की वैल्यू है, फर्मी तो −15 में होता है, या −13 क्यों लिखा है, गलत है क्या, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो है, सेंटीमीटर में ना, फेमटो में थोड़ी ना है, देखो इसको मैं हटा देती हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना तुम लोग, ठीक है क्या, आंसर मीटर में रिपोर्ट करना है ना, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। एक मीटर में कितने एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^-2 हाँ, तो कर लेना ना इसको फिर, ठीक है, चल चलूं आगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो आपके ना, आपने पढ़ा होगा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर, ठीक है। हम केमिस्ट्री में जो है ज्यादा डिस्कशन करते हैं अपने पार्टिकल नेचर पे, और आपका जो फिजिक्स में होता है, जिसमें आप डिफ्रेक्शन का ये सब इंटरफेरेंस ये सब पढ़ते हो, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, यहाँ पे वेव नेचर का बहुत कम है, ठीक है, बट जितना भी है वो हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है मैंने, ये थ्योरी एक बार पढ़ लो,
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वेव्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, और उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये जो वेव्स ट्रेवल करती है सेम स्पीड से करते, कितना 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सब बच्चों को कन्वर्जन करने आने चाहिए, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में कितना होता है, ये आप लोगों को आनी चाहिए चीजें, ठीक है, 1 सेंटी में कितने होते हैं, ठीक है, 1 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, 1 पिकोमीटर में कितने होते हैं, ये सब टिप्स पे रट्टी होनी चाहिए चीजें आप लोगों को, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि इन वेव्स को हम ईएमएफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं या रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, कितने टाइप्स की है देखो ये सारी, ठीक है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आईआर रेज, विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इसको लर्न किया हुआ है आप लोगों ने, लर्न किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी दे सकता है, अगर एनसीईआरटी में ये चीजें गिवन है तो डेफिनेटली एग्जामिनर जो है पूछ सकते हैं, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है, और जब आपकी एनर्जी जो एमिट होती है उनके पास कौन से 2 कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बनाओ वेव, बनाओ आओ, और फिर इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखेंगे थोड़े बहुत जो तुम्हारे न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रस्ट, ठीक है, ये तुम्हारी वेवलेंथ होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं तुम्हारी उसकी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होगा मैम, वो 1 सेकंड में कितनी बार अपना कर, 1 सेकंड में कितनी बार कितनी वेव्स पास हुई है, ऐसा, उसके बाद, उसके बाद और क्या है, ये तो वेव नंबर है, ये वेव नंबर है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम न्यू बार बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यू बार क्या होता है, 1/λ होना चाहिए, क्या है, एक कोई भी लेंथ पकड़ लो, इस लेंथ में अगर मैं बोलूं कितनी वेव्स है, वही आपका क्या है, वेव नंबर है, 1/λ होगा, ठीक है। अब लैम्डा एग्जामिनर आपसे जो मर्जी हो उसी में वो आपका यूनिट कन्वर्जन करा सकता है, इसलिए मैंने बोला ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब, ठीक है। इसके अलावा और कौन से आती हैं आपकी, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, वेव इन 1 सेकंड, वो आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी, C by lambda, इसको आप और क्या लिख सकते हो, C mu bar लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आपको कौन कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, म्यू बार का याद रखो 1/λ होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का याद रखो C/λ होता है, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, कौन से हो गए फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला भी है, बट अगर ये दोनों याद है तो आप तीसरा तो वैसे ही खुद से बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे देखो, जो आपकी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रही थी, जो भी मैं आप लोगों से पूछ रही थी, बेटा आप लोगों ने कैसे याद कर रखी है, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे लर्न करते हैं, रेडियो, रेडियो मिर्ची, मिर्ची माने माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेडियो मिर्च, एक मिनट रुको, हाँ मैं खुद ही भूल गई मेरी वाली ट्रिक क्या थी, ठीक है। आप लोगों ने कैसे कर रखी है जल्दी बताओ, हाँ मेरे को अभी याद आ गया मैंने कैसे कर रखी है, राम जी, राम जी, राम जी इन विजिबल यू एक्स जी को गए, मैंने ऐसे लर्न किया हुआ है, ठीक है। राम जी बोले तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन इन मतलब आईआर रेस, विजिबल इंफ्रारेड रेस, ठीक है, अल्ट्रावायलेट को गए, यू यानी कि तुम्हारा यूवी, एक्स माने एक्स रेस, ठीक है, और यू एक्स जी को गए, को ये जी गामा रेस और सी ओ कॉस्मिक रेस, जो तुम्हारे यहाँ पे नहीं दिखाई, ठीक है। राम जी इनविजिबल, यस जी इज योर गामा रेस, ठीक है, और सीओ से है कॉस्मिक रेस, जो कि आपको नहीं करनी है, आपके यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ट्रिक बना रखी आप वैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगी तो वहां पे क्या होगी, मेरी एनर्जी क्या होगी,
क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी, वेरी गुड, कम डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, रेडियो वेव्स की है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ, ठीक है, वेरी गुड। और गामा रेज की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे कम, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपसे ऑर्डर लगवा के वो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन कीजिए, दो क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन ये और एक सेकंड वाला, ये तुम्हारा नीट का भी पीवाईक्यू है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए थे उसको यूज करके तुम्हें क्वेश्चन करना है। द विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। हमें पूरा चैप्टर चार लेक्चर में करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टाइम देना पड़ेगा अपन को, ये लगा लो 1.5 घंटा, ठीक है। हाँ, और लास्ट में जो जो पढ़ा है वो हम कंपाइल करते हुए चलेंगे कि आज क्या किया है, ओके। क्या फॉर्मूला लगाया तुम लोगों ने, ठीक है, सी बाय लैम्डा निकालना, क्या लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू हो जाएगा, सी क्या लिया होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1368 किलो को उसमें करो 10⁻³, हर्ट्ज क्या होता है, पर सेकंड होता है, देखो यूनिट को ध्यान रखना फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आपका आंसर जो है मीटर में आएगा, इसको सोल्व कर लेना, कितना आंसर आ रहा है, 219.3, दीपक लेफ्ट हो गया क्या, तो इसका अगर मैं एग्जैक्ट आंसर बताऊं तो ये होगा, ठीक है, आगे चले, ये वाला क्वेश्चन करो, आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग ए वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्जामिनर जानना चाह रहा है क्या आपको यूनिट कन्वर्जन करने आता है या नहीं आता है। चलो करो, एटलीस्ट 35 में से मैं चाहती हूँ कि कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स अपना हैंड रेस करें, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप लोग भी घर से पढ़ के आएंगे, क्योंकि मेरा पेस तो ज्यादा रहेगा। बस यजदान आप बताओ बेटा, 1.6 × 10⁶ आंसर आ रहा है, 1.6 × 10⁴ आएगा ना, सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है, वेव नंबर आ रहा है तुम्हारा 1.6 × 10⁴ सेंटीमीटर में, ठीक है, यस, ठीक है, मेरे पास 1.7 था, अच्छा चलेगा कोई बात नहीं, देखो मीटर में नहीं, देखो आंसर सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ, तो 1/5800 आर्मस्ट्रांग को, 1 आर्मस्ट्रांग होता है 10⁻¹⁰ मीटर, तो सेंटीमीटर में करोगे तो -8 सेंटीमीटर, तो इसको करो पहले उसमें चेंज, ठीक है, और इसका आंसर जैसे तुमने बोला है इतना आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, सी बाय लेमडा, लेमडा तो नहीं दे रखा, तो सी म्यू बार कर लेना, आंसर आ जाएगा, यस मैम, मैम लेमडा दे दे रखा, अच्छा हाँ वैसे भी, अच्छा ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो, और तुम्हारे पास म्यू बार भी आ गया, वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के जो मैंने यहाँ पे बेटा कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वन बाय वन एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपकी एनर्जी, जो अभी मैंने बोला था ना, जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वन बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वेव की फॉर्म में हो रही है, लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो एनर्जी एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो कंटिन्यूसली ना होके डिसकंटिन्यूसली हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको आपने क्या बोला है, दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम,
ठीक है, तो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूर रखिए अगर आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, लाइट के केस में हम इसको बोल देते हैं फोटोन, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, बट इन जनरल केस द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड जो है साइमल्टेनियसली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बेटा पैकेट्स की फॉर्म में आपके निकल रहे हैं, ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में जिसको आप क्या बोल रहे हो, क्वांटम बोल रहे हो, फोटोन बोल रहे हो, जो वो स्मॉल पैकेट है एनर्जी, जो उसकी एनर्जी होगी हर एक क्वांटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी बेटा फ्रीक्वेंसी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी फ्रीक्वेंसी की। और आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू मैम याद करनी है, बिल्कुल करनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³⁴ - 34 joule/s। ठीक है, अब इतने आप एक्सपर्ट हो जाने चाहिए कि ये वैल्यूज आपको टिप्स पे आने, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि इन वैल्यूज को रट्टा, मतलब आपको रट्टा मारना नहीं। ठीक है जी, ठीक है, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे बेटा। अगर उसने बोल दिया, अगर उसने बोल दिया n नंबर ऑफ क्वांटा है, तो उस केस में कैसे निकालोगे एनर्जी, n इज इक्वल टू n h न्यू, h न्यू, n क्या है यहाँ पे, n क्या है, नंबर ऑफ क्वांटा है यहाँ पे, लिख लो। ठीक है, फॉर n क्वांटम इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1, 2, 3 ये होगी, ऐसा नहीं है 1.5, 2.5, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने सुना होगा एक वर्ड क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड, क्यूजिबल्स टू एन वाला फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो कि वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 1.6 भी हो सकती है, बट आपके इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ठीक है, इसमें क्या होती है, वैल्यूज क्वांटाइज होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, 1 के बाद या तो 2, 3 आएगा, यही आएंगे, ऐसा नहीं है 1.5 आ रहा है, 2.25 आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। लिख देते हो यहाँ पे, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, ई को ऐसे भी लिख सकते हो एच सी वाई लैम्डा, या यू कैन ऑल्सो से एच सी न्यू बार। क्लियर है, बस आपको क्या याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए, और जो मैंने दो फॉर्मूले बताए। क्वेश्चन करें, चलो कितने क्वेश्चन है, 1, 2, 3। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, चलो आओ ये वाला क्वेश्चन करो, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, तुम्हें क्या निकालना है, एनर्जी इन जूल, जूल में निकालनी है, यूनिट का ध्यान रखना खास तौर पे। वेवलेंथ तुम्हें दे रखी है, एच की वैल्यू वैसे तो दे रखी है लेकिन आएगी नहीं एच की वैल्यू, ये 2014 में आता क्वेश्चन, तो मान के चलो कि एच की वैल्यू तुम्हें गिवन नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें गिवन नहीं होगा बेटा। चलो करो इस क्वेश्चन को, हुआ किसी का, अनुशुआ का हुआ, साक्षी का हो गया, और गुंजन बताओ बेटा। मैं, मेरा सी आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है, आंसर रिपोर्टेड नहीं है। बाकी का क्या, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है, मैम सी आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है सबका, मैम डी, मैम डी आ रहा है, मेरे पास जो आंसर है वो डी है, मैम डी है, मैम मेरे भी डी आ रहा है। देखो अब सुनो, इधर आओ, क्वेश्चन है सुपर डुपर इजी, लेकिन बहुत बच्चे गलती खा गए ना कि सी आएगा या डी आ गया, मतलब कैलकुलेशन में घुमाना फिराना आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेशन ले नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि 4.42 और 4.42 दोनों ही ऑप्शन में, तो क्या होगा, एनर्जी निकालनी है जूल में, एच सी बाई लेमडा लगाओ, एच क्या है 6.6 ले लेती हूँ मैं, 10⁻³⁴ जूल सेकंड इंटू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेमडा किस में है मेरा, नैनोमीटर में है, तो मीटर में करना पड़ेगा, जब तक यूनिट में नहीं चेंज करोगे आंसर ही नहीं आएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल, तो अब तुम्हारा आंसर आएगा जूल में। ठीक है, अब तुम्हारा आंसर आएगा जूल में, तो ये किस पे गया, 15 जा पे गया, देखो इधर, ठीक है, इसका नीचे 10 ले लो, 66 को डिवाइड कर दो 15 से, ज्यादा मुश्किल नहीं है,
4.4 कितना आ जाएगा, इतना ही कुछ आ जाएगा, तो 4.42 आपका इनटू 10^-18 होगा। अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है तो तुम्हें डेसिमल को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर मेरे पास जो है इसका वो डी है। तो आपको ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो कौन सा है। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट देखो, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। विच वैल्यू इज द क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में ही आंसर रिपोर्ट करना है, तो यू डोंट नीड टू चेंज नैनोमीटर इनटू मीटर ऑफ ए क्वांटम लाइट विद फ्रीक्वेंसी इतना। चलो करो, बहुत बच्चे नहीं आए आज क्लास में। हाँ कैलकुलेशन बेटा, वो कैलकुलेशन का ही था बस क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लेके ले लेना, 10 सेकंड बेशक फालतू ले लेना, लेकिन नेगेटिव मत करवाना क्योंकि वो क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। डन। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो क्या तुम लोग, मैनुअली नहीं सॉल्व कर रहे हो क्या? तो ज्यादा अच्छी बात है, मैं कैलकुलेटर से करूँ तो शोभा देता है, तुम लोगों को शोभा नहीं देता अगर तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो, ठीक है। अर्पिता जी हो गए कि नहीं? हाँ बेटा। मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ यू आर ऑडिबल बेटा। ओ अच्छा, नहीं आ रही थी ना, स्लाइड भी नहीं दिख रही थी। हाँ तुमने आई थिंक रीजॉइन किया ना अनुष्वा? हाँ मैम, नेटवर्क चला गया था तो मुझे स्लाइड भी नहीं शो हो रहा था। अभी हो रहा है? हाँ मैम अभी हो रहा है। ठीक है ठीक है। अर्पिता हो क्या यहाँ पे? ओके क्या आंसर आ रहा है सबका? 50 है, 50 है। करके दिखाने की जरूरत है कि सोल सिंपल फॉर्मूला लगा दिया होगा तुम लोगों ने, क्या लगाया? सी बाय म्यू। ये लगाया क्या? यस मैम। लैम्डा क्या होता है? सी बाय म्यू, बस लगा दो इसको। चलो आओ ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, और ये 2011 में भी आया है क्वेश्चन, 2017 में भी आया है, दो बार पूछा गया है अभी तक नीट में, वैल्यूज चेंज कर दी थी बस इसमें, तो मेरे को 2011 वाला मिला, मैं ये वाला उठा लाई। द एनर्जीज E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 विल बी। चलो करो, मैम बी है ऐसा हो गया? मैम बी, यस मैम बी, बी होगा, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो E1 बाय E2, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 वाले भी होंगे क्लास में, लेकिन नहीं करना है ऐसा। E1 क्या 25, 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसके अलावा ये देखो तुम लोगों के लिए एक शॉर्टकट है, अगर मान लो तुम्हारी एनर्जी तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है और तुम्हें मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10^-19 जूल होता है, ठीक है, तो ये करने की इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लैम्डा वेवलेंथ नैनोमीटर में दी है तो ये फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारा एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग में दे रखा है तो 12400 बाय लैम्डा की वैल्यू रख के आओ, तुम्हारी एनर्जी डायरेक्ट तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी, ठीक है। समझ आई? ये बहुत काम की चीज बता दी मैंने तुम्हें आज, ठीक है। कुछ बच्चों को पता होगा पहले, जिसको नहीं पता वो लिख लो अपनी नोटबुक में, जीरो का ध्यान रखना, कहीं आगे पीछे कर दो। हो जाएगा क्या? यस अच्छा, फिजिक्स में भी है क्या? यस मैम, ठीक है आगे चले। तो अभी तक क्या क्या कवर कर लिया? बेसिक टर्म्स कवर कर ली, ठीक है, फॉर्मूले देख लिए, कितने फॉर्मूले देख लिए, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ठीक है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा एंड एनर्जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अभी तक ये कर लिया, ठीक है जी। अच्छा छपा हुआ है फिजिक्स में ऐसा क्या? अच्छा हाँ, तो बहुत बढ़िया है। चलिए उसके बाद है बोहर मॉडल भी है क्या फिजिक्स में? अब ये मत कहना ये नहीं है। हाँ है, 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 अच्छा ठीक है।
ओके ओके ठीक है फिर तो सही है, आ जाओ ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बोहर मॉडल किस पे बेस्ड है बेटा, क्वांटम थ्योरी पे ही बेस्ड है ठीक है। तो बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, देखो कौन से वाले स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ठीक है। अब वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कोई भी हो सकती है, बस ध्यान रखना उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे हीलियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बेरिलियम 3+ है वो भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है ठीक है। तो बोहर मॉडल जो है ऐसे वाले स्पीसीज पे एप्लीकेबल है क्या वो बेटा, हाँ ओनली एच, ये ड्रॉबैक भी है ठीक है। तो किस पे बेस्ड है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है ठीक है। चलो आगे चले, देखो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें ध्यान दिलवाऊं रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इधर आना एक बार, रदरफोर्ड की कुछ कुछ बातें ना अगर तुम्हें याद हो, रदरफोर्ड के बाद आया था बोहर मॉडल, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ तुम लोगों को। जो रदरफोर्ड था तुम्हारा, वो उसकी लिमिटेशन यही थी ना कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ठीक है। ठीक है क्यों, क्योंकि वो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वो घूमेगा और घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा वो, तो एटम की तो कोई बात से टकरा जाएगा, अगर एटम ही नहीं बचेगा फिर हम लोग जिंदा कैसे हैं ठीक है। तो ये सबसे बड़ी जो है लिमिटेशन थी। तो उसके बाद कौन आया था, बोहर आया था, जिसने जो है एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। तो कुछ कुछ पोस्टुलेट है जो रदरफोर्ड वाले ही हैं, जो कि इसने भी बताए थे कि एटम हैज न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस का साइज छोटू सा होता है और वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है ठीक है। अच्छा और क्या बोला था इसने, इधर आओ, हाँ दो पोस्टुलेट जो है ये उसके जैसे ही हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ठीक है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, ये वाली बात आप ध्यान रखना, जो उसने बोला ना इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा उसमें न्यूक्लियस में, लेकिन इसने क्या बोला, नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन mv² / r ठीक है। ये वाला फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से गिरेगा नहीं, कौन नहीं गिरेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा, किसमें नहीं गिरेगा जल्दी बताओ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। उसका थर्ड पोस्टुलेट है, ये उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π मेरे बच्चों, और n की वैल्यू कांट बी फ्रैक्शनल, मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि ये भी किस पे बेस था, क्वांटम थ्योरी पे था। तो इसकी भी क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, 1 हो सकते, 2 हो सकते, 3 हो सकते, ये नहीं 1.5 नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती, 2.25 नहीं हो सकती, समझे, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। एम क्या है, एम बताओ क्या है, मास, मास किसका, इसका मास, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। वी क्या है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वो। आर क्या है, रेडियस ऑर्बिट की जिस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एन क्या है, पता है। एच क्या है, मैम पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है जी, ठीक है अच्छा जी। अब रेडियस क्या होगी, मान लो हमें सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके ऑर्बिट्स है ना जहां पे इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें रेडियस निकालनी है, किसी भी ऑर्बिट की निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आर एन मेरे बच्चों क्या होता है, 0.529 n² / z आर्मस्ट्रांग के बराबर होता है, हाँ या ना, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर बोल दो, ठीक है कलर चेंज कर लू, सारा येलो येलो पीला पीला चमक रहा है ठीक है। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² / z। अगर मुझे रेडियस ऑफ ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाना हो तो बनाओ अपनी नोटबुक में, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो क्या होती है उसकी वैल्यू, 2.818 × 10⁻⁶ z/n m/s। तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, z इज योर एटॉमिक नंबर, n इज योर ऑर्बिट नंबर,
ठीक है, वेलोसिटी और एटॉमिक नंबर का बनाओगे ग्राफ तो क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। ये चीजें हम जनरली पढ़ते नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए तुम लोगों को, एग्जामिनर कुछ भी उठा के दे दे उसका पता नहीं है, हो जाएगा। यानी कि इस स्लाइड में मैंने आपको कितने फॉर्मूले बता दिए, तीन, mvr is equal to nh by 2 pi, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। और भी है मैम? यस मैम, तीन फॉर्मूले और हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ऑर्बिट क्या है, सर्कल ही तो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताओ मुझे कितना होता है, 2 pi r। मैं बैक स्टाइल दिखा देना एक बार, ये लो बेटा, तब तक सारे बच्चे लिखो 2 pi r, 2 pi r, अगर कोई एरिया पूछ ले तो पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखना मेरी बात। सर्कमफ्रेंस क्या होगा ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट का 2 pi r, ठीक है, nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। और ये क्या आ गया, यानी कि इससे मेरे बच्चों को क्या पता चला कि सर्कमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन और आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय z, खत्म। बताओ। यस मैम। यस मैम। कोई कुछ कह रहा है, ठीक है ना बात, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 2 पाई आर बाय न्यू, ठीक है, न्यू नहीं वेलोसिटी सॉरी, ठीक है। अब देखो इसको मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाय वी, यानी कि एन स्क्वायर बाय जेड, और वेलोसिटी क्या होगा, जेड बाय एन, यानी कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, yes. समझ रहे हो। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 बाय टी, इसका अपोजिट। ये वाला मैम क्वेश्चन भी आया था कल पेपर में संडे को, ठीक है, ठीक है, देखो देख लो ध्यान से। केमिस्ट्री में क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता इससे क्योंकि फिजिक्स में भी आ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही, तो क्या पता हो सकता है कि फिजिक्स में ना पूछ के केमिस्ट्री में पूछ ले, ठीक है। तो यानी कि कितने फॉर्मूले बता दिए, तीन इस स्लाइड पे, तीन इस स्लाइड पे, 6 फॉर्मूले और 4-5 पहले, 10 फॉर्मूले बता दिए मैंने। अब क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, आ जाओ, कितने क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आ जाओ, अपने आपको नंबर दे लेना 24 में से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, चलो आओ। Which of the following is not a permissible value of angular momentum of electron in H atom? देखो तुम लोग घर से पढ़ के आए थे, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा आप लोगों को बताने में चीजें, क्योंकि आप लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यही मुझे चाहिए मेरी क्लास का जो मोमेंटम है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए मेरी हर क्लास में, तो इसीलिए पढ़ के आओ पहले से, तो मैं बता दूंगी कि मैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने वाली हूँ, सो दैट तुम पढ़ के आओ, बस। वेरी गुड, शाबाश। इज नॉट ए परमिसिबल मतलब कौन सी इसमें से वैल्यू नहीं पॉसिबल है, इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। क्या आ रहा है सबका आंसर, सी, सी आ रहा है। देखो बच्चे एमबीआर क्या होता है, एनएच बाई टू पाई, ठीक है, तो हम आप लोग सी बोल रहे हो तो मैं इससे क्या करूं, इसको कंपेयर कर लू, 1.25 एच बाई पाई, इससे कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1.25 इनटू 2, फ्रैक्शनल में आ रही है ना, पॉइंट में आ रही है, तो ये वैल्यू n की वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं हो सकती, सी इज करेक्ट आंसर, समझे, समझे मेरी बात, बाकी सारी पॉसिबल हैं, आई होप सबका आंसर सी आ रहा हो बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये वाला कीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपको रेडियस बताना है, रेडियस का रेशियो बताना है थर्ड और फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, करो। मैम बताओ, रुक जाओ, रुको रुको, अरीब आप बताओगे, सलोनी आपनी हैंड रेज कर रही हो, सानिया, दिया, दिया आई है क्या आज, नहीं आई, गायत्री भी नहीं आई, अरीब क्या आंसर बताया तुमने, बताया है क्या कुछ, 2.5 आ रहा है क्या, नो एन स्क्वायर बाय जेड होगा ना,
मैम 9/25 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और z कितना होगा, z तो दोनों में ही सेम होगा, z तो दोनों में सेम है ना, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 9/25, तो 9:25। ठीक है बिल्कुल। आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन कीजिए, एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज एक्स, देन फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट। मैम ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ध्यान रखना, ये जो आपका होता है n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट के लिए होता है, और n इज इक्वल टू 2 जो होता है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए होता है, तो ये क्या चलता है n की वैल्यू 1 ज्यादा होती है। ठीक है ये ध्यान रखना आप लोग। चलो करो लिथियम 2+ के लिए बताना आपको, हाँ n इज इक्वल टू 2 होगा, हो गया क्या, चैट बॉक्स में लिख दो सारे आंसर। चैट बॉक्स में लिख दो बच्चों, सी क्यों आ रहा है साक्षी तुम्हारा? ये देखो MBR is equal to NH/2π, ठीक है, N कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए सेकंड ऑर्बिट, यानी कि MBR क्या आ जाएगा तुम्हारा H/π, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, x, यानी कि H/π की वैल्यू होगी x। ठीक है MBR NH/2π लिथियम 2+ के लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2H/2π, ठीक है H/π बच्चा, जिसकी वैल्यू है x के बराबर, सिंपल लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है yes, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। आपको सारे ये रेडियस वाले बोहर ऑर्बिट वाले में सब आपको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मिलेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो आपको रेशियो बताना है सर्कमफ्रेंस का थर्ड और सेकेंड ऑर्बिट के लिए। जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, यस मैम हो गया, कितना आ रहा आंसर मैम? 9:4 आ रहा है सी। भाई बहुत सुपर फास्ट हो गए हो आज, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस भी क्या है, वही है, सर्कमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एन स्क्वायर बाय जेड, तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, 9:4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज तो मन कर रहा है तुम लोगों को चॉकलेट खिला दूं, बट वर्चुअली कैसे खिलाऊं। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट, मेरी तरफ से लेके खा लेना, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स आर्मस्ट्रॉन्ग, देन द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन विल बी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलो करो फिर, थोड़ा सा टाइम ले लेना लेकिन गलत मत करना। Done, ma'am. Done? Very good. Done? Yes, ma'am. Ho gaya. दस सेकंड और रुक जाओ, एक बार और बच्चे देख लेते हो कितने हैंड रेज करते हैं। ma'am, done. Done? बहुत बढ़िया। 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है, 10 ओके 10 बच्चों ने कर लिया, बाकी अंजलि, जुनैद, मीनू, शबनम, उज्जवल, अर्पिता, तुम्हारा एक आंसर नहीं आ रहा बेटा मेरे पास। नीट में यही मिलने वाले हैं तुम्हें, जब बैठोगे ना नीट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अरे ये क्या हो गया, हाँ क्या आ रहा आंसर जल्दी से उसमें डाल दो मेरे को चैट सेक्शन में। डी आ रहा है 4x एंगस्ट्रॉम। डी आ रहा है, मेरे पास आंसर कितना है इसका, रुकना एक बार। हाँ सारे गलत हो, ये जिन्होंने बी लिखा है शिवम एंड प्रियांशु, और जिसने दिया है बी, तभी मैं कह रही थी टाइम ले लो कुछ ना, मेरे को ये कंफ्यूजन है जो जेड लेंगे वो लिथियम के लिए 3-2 करेंगे ना। एक सेकंड मैम, एटॉमिक नंबर था वो, तो जेड तो प्रोटॉन का नंबर होता है ना, जेड डालना पड़ेगा ना, जेड डालना पड़ेगा ना भाई, फॉर्मूला भूल गए क्या तुम लोग? नहीं मैम,
अभी पीछे क्वेश्चन करा था उसमें ऐसे ही करा था, सही आ रहा था। वो तो सही आएगा क्योंकि उसमें नहीं रिक्वायर था ना, क्योंकि लिखा था जो लिथियम वाला ही था, ये वाला नहीं लिथियम वाला ही था। हाँ तो इसमें एंगुलर मोमेंटम तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल। मेरे बच्चों जल्दी बाजू में कर दिया गलत, डिपेंड ये स्टेटमेंट में आ सकता है ये वाला पॉइंट जो अभी मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ, एटॉमिक नंबर। हाँ ठीक है ठीक है, जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा एंगुलर मोमेंटम, बट हाँ जो तुम्हारा रेडियस है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो अब लिख लो कितना होगा, जल्दी करते हैं। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, एन वन दिया ही हुआ है, जेड तो वन होगा ही होगा। और ये लिथियम के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू दे रखी है टू का स्क्वायर, फोर हो जाएगा बाय थ्री। हाँ बाय थ्री हो जाएगा और उसकी वैल्यू, एक मिनट को मैं कायदे से कर देती हूँ, ये तो हो जाएगी ना जल्दीबाजी में। ठीक है देखो, इधर देखो अगर मैं बात करूं बेटा हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, 0.529 एन स्क्वायर, एन कितना है वन, और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर भी होता है वन, यानी कि 0.529 की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स उसने ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है लिथियम 2 प्लस के लिए चलूंगी तो 0.529, एन कितना है मेरे बच्चों सेकंड, तो 2 का स्क्वायर, जेड कितना है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 आएगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा, 0.529 की वैल्यू क्या है एक्स है, तो एक्स इंटू 4/3 यानी कि 4x/3। समझे समझे ना, yes, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो ये थ्री क्यों लिखा हुआ है। चलो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज वी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। अब यहाँ पे भी ध्यान से करना तुम लोग, चलो करो। यही होता है बेटा नीट में ना पेपर इजी आता है लेकिन ना गलती कर देते हैं हम लोग, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक बार ध्यान से जरूर देख लेना। अगर मान लो तुम लोग कोई आंसर निकाल रहे हो तो जो अपनी तुम रफ शीट में निकालोगे ना एक बार उसको दूसरी बार मेरे कहने पे जरूर देख लेना, ठीक निकाला है नहीं निकालना, स्पेशली ऐसे वाली चीजों में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डन हो गया, 10 सेकंड और रुक जाते हैं, अपना तो टाइम पे लेक्चर ओवर हो गया भाई, क्या बात है, मेरे को तो लग रहा था आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है हमें लास्ट टॉपिक है, हाँ लास्ट टॉपिक है ये वाला आज का, मतलब आज की क्लास का, चैप्टर का नहीं, चैप्टर तो अभी 3 दिन और चलाऊंगी इसको मैं, क्योंकि अपन को ज्यादा टाइम उसमें देना है, पूरा 1.5 घंटा अपन क्वांटम नंबर में देंगे जो कि अपना 4th लेक्चर होगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है चलो एक काम करो, सारे चैट बॉक्स में डाल दो जिसका जो आंसर आया वो, तो सबका मुझे दिख रहा है ए आ रहा है, वेरी गुड, अब ठीक है सबका, ठीक है ए आएगा। ठीक है वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है जेड बाय जेड कितना है हाइड्रोजन का वन, ये भी दे रखा है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 2.18 × 10^6 और थर्ड ऑर्बिट जेड बाय एन, जेड क्या होगा 3, ये भी 3, तो सिंपल वी। ठीक है तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, बस खत्म, इधर आओ, ये कुछ क्वेश्चन है करने हैं तुम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लेना कितने हैं, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 10 से 12 क्वेश्चन दिए हैं, नहीं कॉन्स्टेंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, याद होता है तो रख लो वरना रहने दो। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें ऐसे वेलोसिटी में याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखो उस केस में आप ना ये वाला फॉर्मूला वैसे ज्यादातर यूज होता है जहां पे आपको दो वेलोसिटी दो एटॉमिक नंबर दे रखो एन की वैल्यू निकाल लो, जिसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, क्या बोलते हैं ये वाला, ठीक है वहां पे तो आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, और वैसे नहीं भी रखोगे तब भी आंसर निकाल लोगे क्योंकि हो सकता है अभी आप याद कर लो और बाद में भूल जाओ, तो याद हो रहा है तो रख लो वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है या तो 2.18 को 18 क्यों ध्यान रखना, 2 × 10^6 याद रख लो। ठीक है ठीक है तो ये क्वेश्चंस करने हैं तुम लोगों को, अभी समराइज करना है, और जो नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक आपको ये बोहर मॉडल, अभी ये बोहर मॉडल खत्म नहीं हुआ, अभी एनर्जी की तो बात ही नहीं की अपने, है ना,
अभी वो जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में मैं आपको डी ब्रॉय हाइजनबर्ग कराऊंगी, और फोर्थ लेक्चर में क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये रहने वाला है चार लेक्चर का, और जल्दी से अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आपको वो करने हैं, क्या करने हैं, समराइज करने हैं। मैं बताऊं ना, हैंड रेज कर लो, क्या लग रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में कर रहे हो? चलो सही है, रिवाइज हो जाएगा तुम लोगों का फिर ये चैप्टर भी। ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे तो भाग जाएंगे जैसे पता नहीं ट्रेन ही छूट रही हो उन लोगों की। ठीक है ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जिसमें आपको आइसोडायफोर्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखनी है, वेरी गुड। और आपको और बताओ कौन सी इंपॉर्टेंट, आइसोस्टर्स, आइसोबार्स, आइसोडायफोर्स था, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है, डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस इनका डिफरेंस सेम होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है ओके, आइसोस्टर में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम। ठीक है, अच्छा, और बस फॉर्मूले बता दो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कौन कौन से फॉर्मूले किए हमने, E is equal to h nu is equal to hc by lambda और E is equal to h nu bar। ठीक है, और आपने फ्रीक्वेंसी का बताया था टी बाय लैम्डा, और जिसको हम वेव नंबर मल्टीप्लाई में सी लिख सकते हैं, न्यू इनटू लैम्डा, और एक रेडियस का बताया था कि जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए पावर में 1/3 के, जिसमें कांस्टेंट आर नॉट आता है, जिसकी वैल्यू 1.3 × 10⁻³ होती है सेंटीमीटर में, सरकमफेरेंस जो होता है वो 2πrn होता है। ठीक है, तो जो बाकी मैंने वो बताए थे बोहर थ्योरी में, उसमें आप लोगों को रेडियस का फॉर्मूला ध्यान रखना है, बोलने दो भाई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसके डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आपसे एक स्टेटमेंट ये दे देगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं डायरेक्टली तो नहीं लिख के देगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज व्हेन नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज, तो ऐसे करके वो रिलेशन में घुमा सकता है तुम लोगों को, और घूमना नहीं है। टी क्या होगा, 2πr बाय वेलोसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी 1/T होगा, सरकमफ्रेंस आप लोग ध्यान रखना 2πr के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ओ सॉरी, सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती है 2πr, तो जो रेडियस में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन स्क्वायर बाय जेड, ऐसे सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हो, एरिया पूछ ले ऑर्बिट का तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π, n फ्रैक्शनल नहीं होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, z क्या है, r क्या है, t क्या है, एक एक चीज मालूम होनी चाहिए तभी फायदा है, रट्टा मारने का फॉर्मूले का कोई फायदा नहीं है, एक एक चीज n क्या है, यहाँ पे ये क्या है नंबर ऑफ क्वांटा के लिए आ रहा है। ठीक है, म्यू बार क्या है, लैम्डा की यूनिट कैसे कन्वर्जन करना है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बेटा मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, पढ़ के आना, और सेम ऐसा ही रहेगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस ऐसे ही रहेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड के इनवर्सली होता है बच्चे। ठीक है, ओके।